दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। पथ विक्रेताओं की बल्ले बल्ले हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में डाली है 1,000 रुपए की राशि। वहीं मध्य प्रदेश की 22,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हो गई है कोरोना से मुक्त। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले है। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश अब 1 जून से खुलेगा, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। गाइडलाइन इस प्रकार से है, शादी समारोह में दोनों पक्षों से अधिक 20 लोग जा सकते हैं। वहीं 13वीं के कार्यक्रम में 20 लोगों से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। दाह संस्कार में भी 20 लोग ही रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट में टेक होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, जिम सब बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक समय में पुजारी के अलावा अतिरिक्त 2 अन्य श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से गाइडलाइन है। वहीं राजनीतिक और धार्मिक आयोजन में भीड़ जमा होने पर रहेगी रोक, पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की 50% उपस्थिति पर सहमति बनी है। वहीं प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। हवाई और रेल यात्रा से आने जाने वाले लोगों के संचालन की व्यवस्था जारी रहेगी, अर्थात आवागमन जारी रहेगा। वहीं जिलों में निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियां चालू रखने पर सहमति बनी है। वहीं सभी जिलों में किसानों के लिए पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से इन गाइडलाइनों के तहत मध्य प्रदेश अब 1 जून से खुलेगा, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं। वहीं ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए सरकार बनी है मददगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 1,000 रुपए की राशि दी है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए। ग्रामीण पथ विक्रेताओं में चाहे वो सब्जी का ठेला लगाने वाले हो, चाट का ठेला लगाने वाले हो, जूता की दुकान लगाने वाले हो, मोची हो, पान की दुकान लगाने वाले हो, तो इस प्रकार से लगभग 20 कैटेगरियों को रखा गया है। इसमें प्रदेश के लगभग 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक मदद दी है। वहीं मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को तोहफा है। पेंशन अंशदान में 4% की बढ़ोतरी के आदेश जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 10% से बढ़ाकर अब 14% कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इससे शिवराज सरकार पर सालाना 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। अभी तक योजना में सरकार केवल 10% अंशदान दे रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में 4% अंशदान बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई थी। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने अपनी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके बाद आज शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 4 लाख से ज्यादा अधिकारी तथा कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई है खत्म। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से बातचीत के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 15 जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। हड़ताली कर्मचारियों को आश्वासन मिला है कि 5 जून तक उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी, इसलिए उन्होंने 15 जून तक अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। यदि मांगे मानी नहीं जाती हैं तो 16 जून से पुनः हड़ताल जारी हो जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया और प्रांतीय संयोजक अमिताभ चौबे जी द्वारा बताया गया कि माननीय कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, माननीय अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं मिशन संचालक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हुई विभिन्न चरणों में बैठकों के उपरांत प्रदेश कार्यकारिणी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दिनांक 15 जून 2021 तक आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों की मांग मांगी है। वे मांगे हैं कि NHM से निष्कासित कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु पुनः नियोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाए और वहीं सैलरी भी बढ़ाई जाए और अनुकंपा नियुक्ति भी की जाए। जो कोरोना में मृत हुए हैं उनके पात्र परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर बात हुई है। ये सभी मांगे 5 जून तक मान ली जाएगी। यदि यह मांगे नहीं मानी जाती है तो 16 जून से पुनः संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिया है निर्देश। इन जिलों में बदले हैं नियम। कोरोना के घटते संक्रमण के बीच
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों की समीक्षा बैठक की गई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि प्रदेश में इस तरह का प्रयास किया जाए कि कोरोना की तीसरी लहर आए ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण की रफ्तार को फैलने से रोका जाए। उन्होंने एक एक मरीज की पहचान कर उन्हें निःशुल्क मेडिकल किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना नियंत्रण का मूल मंत्र जनता की भागीदारी है। गांव, कस्बों और शहरों में मैनेजमेंट समूह सक्रिय रूप से कार्य करे, जिससे कोरोना आएगा ही नहीं। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश की 22,813 ग्राम पंचायतों में से 20,565 ग्राम पंचायतें कोरोना से मुक्त हो गई हैं, जो कि प्रदेश के लिए या ग्राम पंचायतों के लिए खुशी की बात है। वहीं अधिक से अधिक जिलों के कलेक्टरों को निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर नीति नियम का इस्तेमाल किया जाना है। इसके साथ ही संक्रमण चेन को ब्रेक करने के लिए जिस भी शक्ति की जरूरत पड़े वह तैयार किया जाए। टीकाकरण अभियान पर विशेष जोर देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि टीकाकरण संक्रमण को हराने का सबसे सटीक और बेहतरीन उपाय है। प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराया जाए। टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार कई अभियान चला रही है, तो इस प्रकार से अच्छी बात है, गुड न्यूज है। मैं भी आप सभी से अपील करता हूँ कि यदि आप योग्य हैं, पात्र हैं, तो टीकाकरण जरूर कराएं, जिससे कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया है, तो चले देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। तो संतोष की बात है, पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित है। अब देश में लगभग सबसे अच्छे राज्य में कल जो टेस्ट हुए पॉजिटिव केस केवल 1800 के आसपास आए हैं। स्वस्थ होकर जाने वालों की संख्या लगभग 7,000 है। रिकवरी रेट बढ़ के मध्य प्रदेश का 94% हो गया, मतलब 100 में से 94% लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तेजी से लोग स्वस्थ होकर अब घर जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का 2.5% के आसपास रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड कहते हैं कि 5% से कम अगर पॉजिटिविटी रेट है तो संक्रमण काबू में है, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश अब पहुंच गया है। लेकिन हम अभी से पूरी चिंता कर रहे हैं, एक कोई तीसरी लहर आ ही ना पाए, क्योंकि अब जो केस आ रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, मतलब उनसे संबंधित जितने लोग सबका सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे, पर जरा भी कोई पॉजिटिव मिलेगा तो कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे या होम आइसोलेशन में रख के इलाज करेंगे, दवाई तुरंत देंगे। फिर कोरोना अभियान लगातार चलेगा ताकि सर्दी बुखार जुकाम वाला कोई भी मिले तो तत्काल पहचान के उसको दवाई दे दें। फिर कोरोना अभियान का मतलब घर घर दस्तक हमारी, विशेषकर हॉटस्पॉट जहां है, शहरों में जो वार्ड है, गांव में जो कुछ घर है, और दूसरा माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाइए, मतलब जहां पॉजिटिव निकलेगा उसको कंटेन कर देंगे। कोशिश हमारी होगी कि वो घर पर ना रहे, होम आइसोलेशन में चला जाए ताकि बाकी को संक्रमित ना कर पाए। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि तीसरी लहर को हम प्रभावी ढंग से आने से रोक दें, लेकिन उसके लिए जरूरी है जनता का व्यवहार। भीड़ भाड़, मेला ठेला, कार्यक्रम आयोजन, मास्क न लगाना ये संकट को फिर से निमंत्रण दे देगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम कैसे कोविड से निपटते हैं। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से मैंने सीहोर जिले के ग्राम पंचायतों के भी वार्ड के भी अपील की है कि भैया ये सावधानी पूरी रखना, सावधानी जरा भी हटी तो खतरा फिर से पैदा हो जाएगा। अनलॉक करने की गाइडलाइन बन रही है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, और गांव के भी तय करेंगे क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। वो एक आध दिन में बन जाएगी तो हर एक गांव प्रस्ताव पारित करेगा कि हमारे गांव में ये चीज खुली रहेगी, ये चीज बंद रहेगी, हमारा व्यवहार ऐसा रहेगा जिससे कोरोना के संक्रमण को हम रोक पाए। अभी सीहोर जिले में 4 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनके माता पिता नहीं रहे, या तो पहले एक की मृत्यु हो गई थी, एक की अब मृत्यु हो गई। ऐसे कोई बच्चे अनाथ नहीं रहेंगे, उनको 5,000 रूपया पेंशन देने की शुरुआत की जाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, उनको निःशुल्क राशन, उनके घर की परिकुंभ, हमारे बच्चे अपने रहते हुए कोई बच्चा अनाथ नहीं रह सकता, अपने बच्चे उनकी भी पूरी चिंता करेंगे। सीहोर जिले की स्थिति भी अब पूरी तरह से नियंत्रित नहीं, हर एक जिले में और हर एक अस्पताल जितने बड़े हैं सब जगह ऑक्सीजन प्लांट हो रहे हैं, कुछ जगह हो गए हैं, कुछ जगह काम शुरू हुआ है,
ऑक्सीजन का सवाल हो, चाहे बिस्तरों का सवाल हो, आईसीयू बेड हो या बच्चों के वार्ड हो, सबको बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।